चंपावत पुलिस ने लकड़ी तस्करों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है। देवदार की 50 अवैध बल्लियों के साथ वन तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, एसपी चंपावत अजय गणपति के निर्देश पर एसओ लोहाघाट सुरेंद्र सिंह कोरंगा के नेतृत्व में शनिवार देर रात लोहाघाट पुलिस ने वन तस्करों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है। रविवार को लोहाघाट थाने के एसओ सुरेंद्र सिंह कोरंगा ने जानकारी देते हुए बताया कि लोहाघाट थाने एसआई अरविंद कुमार और पुलिस टीम के साथ वन दरोगा भास्कर नैनवाल और वन विभाग की टीम के द्वारा संयुक्त रूप से ग्राम नाकोट थाना लोहाघाट के पास चेकिंग के दौरान पिकअप वाहन संख्या UK03TA0014 वाहन से 50 देवदार की अवैध बल्लियां बरामद की गई हैं। इस पिकअप वाहन को ड्राइवर राजेंद्र सिंह फर्तियाल पुत्र पूरन सिंह निवासी डिग्री कॉलेज लोहाघाट चला रहा था, जो इस गाड़ी पर 50 देवदार की अवैध बल्लियां जो बगैर कागज पत्र की थी उसको ले जा रहा था। इसके द्वारा मांगे जाने पर लकड़ियों से संबंधित कागजात न दिखाई देने पर इस माल को कब्जे में लेकर मौके पर ही उक्त बल्लियों को मय वाहन समेत वन विभाग के सुपुर्द कर दिया गया। उधर लोहाघाट रेंजर दीप जोशी ने कहा कि मामले की आगे जांच की जा रही है और जांच के बाद अग्रिम कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हमको हमारे थाने की टीम, इसमें निरीक्षक श्री अरविंद गुप्ता जी हमारी टीम के सरकारी वाहन की व्यवस्था में नाकोट के पास में चेकिंग कर रहे थे, तो एक पिकअप आती हुई दिखाई दी ऊपर की तरफ से, पंचेश्वर की तरफ से। रोका गया तो ड्राइवर जो है बड़ा घबरा सा गया था। घबराने के बाद गाड़ी चेक करी तो गाड़ी में अराउंड 50 बल्लियाँ, देवदार की बल्लियाँ मिली। मौके पर ही वन विभाग की टीम भी घूम रही थी, वो भी मिल गई थी, जिन्हें सूचित किया गया और संयुक्त टीम द्वारा उक्त पिकअप को और बरामद लकड़ी को कब्जे पुलिस लिया गया। उक्त वाहन और बरामदा माल को लेकर वन विभाग के सुपुर्द कर दिया गया है। वन विभाग द्वारा उक्त संबंध में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। यूपी न्यूज 9 के लिए लोहाघाट से लक्ष्मण सिंह बिस्ट की रिपोर्ट।